आए। Hi guys, welcome back to my new vlog. तो अभी हम लोग कैसा लगा मेरा मजाक? अभी हम लोग जा रहे हैं, निकल रहे हैं, मतलब अभी बाय बाय घर, बाय बाय, मिलते हैं 3-4-5 दिन बाद। ये हो गया लॉक और हम लोग का मेरा बर्थडे शुरुआत हो चुका है ना? ये हैप्पी बर्थडे आयशा, चलो 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 पहले महादेव के पास। एकदम डर नहीं, टेंशन नहीं, बहुत अच्छा फील हो रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। हमारा फर्स्ट ट्रिप है, कैसा लग रहा है आपको? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आयशा मैम। 8 साल की दोस्ती, कैसा लग रहा है? 8 साल की दोस्ती पहली ट्रिप, 2 साल का भाई बनेगा दूसरी ट्रिप। जब 14 साल में दोस्ती हो जाए ना तो ऐसे ही होता है। हाँ। तुम्हें कैसा लग रहा है फर्स्ट ट्रिप हमारा एक साथ? धन्यवाद मुझे उसको मत देखो। से हाय। अरे यार तुम क्या, मैं हमारे पास कुछ नहीं। हेलो गाइस, हाय गाइस। तो हम लोग निकल गए हैं अपने रास्ते पे और ये हमारे क्या कर रहे हो, ये ब्लॉग बनाने नहीं दे रहे हैं ये गंदे लोग। अभी आपको बहुत बोल दिया उसको, 4 घंटे तक गाड़ी चलानी है। 4 घंटे तक? 9 घंटे तक। 4-4 ये चलाएगा। और अभी कुछ खाने के लिए रुके हैं, अभी 6 बजने वाले हैं, हम अभी कुछ खाने जा रहे हैं। और ये हमारे सेकंड ब्लॉगर सिद्धार्थ रॉय, सो चलते हैं खाने। कैसा लग रहा है आपको और इसके दांतों में दर्द उठ गया। एक बुढ़ा आदमी जैसा कब्ज वाला पेट होता है। Today we are here. Welcome back to my channel. Hey, जा रहे कौन है तू? ऐसे तो नहीं होता है। भूख लगा है, भूख लगा है। खाना तो ना। हम लोगों ने ऑर्डर किया पराठे, तवा वाला किया था, बट ये कौन सा है पराठा? हम लोगों ने ब्रेकफास्ट कर लिया है, अब हम लोग वापस से गाड़ी में बैठते हैं और हमें 8 घंटे बैठे रहना है। तो चलो ऋषिकेश क्रॉस किया है बहुत से ट्रैफिक के बाद। बहुत से ट्रैफिक। अभी हम जा रहे हैं देवप्रयाग, ठीक है, वहाँ पे एक संगम है, मतलब दो नदियों का संगम होता है, तो वो नदी का नाम तो नहीं पता मुझे पता, मतलब एक गंगा है, एक दूसरी क्या है? दूसरी गंगा क्या है बे? वो है सास बहू। ठीक है, तो उस नदी का नाम नहीं पता पर वो दो संगम है, बहुत बेस्ट है। सास बहू बोलते हैं। हाँ, मैं देवप्रयाग, ये है देवप्रयाग, यहाँ पे दो नदी का संगम होता है जिसको सास बहू भी कहते हैं। हाय हाय गाइस, तो अभी हम लोग आए हैं देवप्रयाग, देख लीजिए आप। मैं बहुत टाइम से आना चाहती थी देवप्रयाग और फाइनली मैं आ गई। परसों मेरा बर्थडे है और मुझे ऐसा लग रहा है कि धीरे धीरे मेरी विश पूरी हो रही है। ये जो दो नंदी है, ये है एक अलकनंदा और एक है भागीरथी, ये दोनों का संगम है और ये बहुत ही ज्यादा प्यारा लग रहा है। ये पानी तेरी नींद पूरी? ये है धारी देवी टेम्पल। देवप्रयाग के बाद एक टेंपल आता है, इस मंदिर में हम जा रहे हैं थोड़ी देर में। हमने गाड़ी यहाँ पार्क कर दी क्योंकि रोड बहुत ज़्यादा ऑफ रोड है।
कारी देवी मंदिर है जो कि केदारनाथ के रास्ते में पड़ता है, इसलिए हम आ गए थे। यहाँ तक पहुँच के बहुत अच्छा फील हो रहा है। सरा सो रही है, सो गई। कैश वो भी सो गया। रोहन भाई कैसा फील हो रहा है यहाँ तक पहुँच के? मेरी कंपनी का कैसा फील हो रहा है? बहुत अच्छा। मेरी कंपनी का मामा नहीं होता तो मेरा सफल नहीं जाता था। देखा मैं हर जगह अच्छा हूँ। बाकी बोले की कृपा और मेरे साथ। बहुत ज्यादा टायर्ड हो गए बट ठीक है, यहाँ तक पहुँच गए अच्छे से। ट्रैफिक ज्यादा नहीं मिली जितना गाइस, तो हम लोग पहुंच गए हैं, क्या था, सोन प्रयाग पहुंच गए हैं जहां हमें अपनी कार पार्किंग करनी है और हम दिखाते हैं आपको कार। ये लो ये लो। अरे तो ऐसे ऐसे हां, ये हमारी पसंद वाली है। ये हमारा, ये आयशा कलेक्शन है। कार्स कलेक्शन, कार्स कलेक्शन। गाइज हम लोगों ने कार्ड लगा दिया है पार्किंग पे और अभी यहाँ से हमें जाना है कैब करने गौरीकुंड के लिए। यहीं पार्किंग होता है और गौरीकुंड में पार्किंग नहीं होती है, गलत फहमी में मत रहना बिल्कुल भी। यहीं पार्किंग होती है, ऊपर टैक्सी या कैब ही जाता है। बाय बाय। टैक्सी कैब जो भी बोलते हैं इसको, हम लोग को ये मिल गया है और हमें बस इतनी सी जगह में दो दो उधर दो को बैठना है, इधर दो को बैठना है और हमें 4 किलोमीटर ऊपर जाना है। इस तो हम लोग गौरीकुंड पहुंच गए हैं और अभी बज रहे हैं 9:15 हो रहा है। हम लोग पहुंच गए फाइनली और मैं तो जब ना तब सो जाती हूँ कहीं भी। इसका तो मैं सीन बताती हूँ। ये क्या करती है, बस इधर उधर देखा, कोई नहीं देखा, ये कहा आँख बंद और फिर बोलेंगे यार मुझे तो नींद आ रही है यार, मैं तो सोया नहीं हूँ, कहाँ गई वो। कल हमें 18 किलोमीटर जाना है, अगर आज अभी इतना 200 मीटर में यह हालत है कल पता नहीं क्या, पर जाना तो है, जागे रहेंगे हम। पीछे देखो, पीछे फिर हमें 300 मीटर चलना है तब जाके हमें होटल मिलेगा। तो हम मजे करते करते जा रहे हैं, रूम मिल गया है फाइनली बहुत मुश्किलों के बाद, क्योंकि सारे रूम बुक हैं, बहुत ज़्यादा ही लेट हैं हम, इसीलिए हमें रूम मिल गया है। और ये काफ़ी ऊपर है, नीचे मार्केट है और हम ऊपर जा रहे हैं रूम के लिए। बहुत मुश्किल से मिला ये रूम। सो चलो, बहुत ऊपर आए हैं, बहुत ऊपर, दूर दूर तक कुछ नहीं दिख रहा है। हम शायद फोर्थ फ्लोर पे हैं, फोर्थ फ्लोर पे होंगे और हमारा रूम है एक, ये एक, ये रूम है ला ला ला, और एक
ये रूम है, टेंडर है और इस... खाना आ गया था, हम लोग स्टार्ट भी कर दिया क्योंकि हमें बहुत जोर की भूख लगी थी। देख लो एग्जाम्पल सो गुड मॉर्निंग, अभी बज रहे हैं 7:30 या 7 बज रहा होगा, टाइम भी नहीं देखा मैंने। और यहाँ का वेदर कुछ ज़्यादा ही खतरनाक है, बहुत मतलब सुबह से ही बारिश हो रही है और रुक तो नहीं रही है बारिश। और हमने रेनकोट्स भी नहीं लाए हैं, कुछ लोगों ने लाया है कुछ लोगों ने नहीं लाया है। मैं कितनी फ्रेश देख रही हूँ सोने के बाद, बट फ्रेश हूँ नहीं अभी, जा रही हूँ फ्रेश होने। ब्रश व्रश कर लेते हैं, मैं आपको यहाँ का वेदर दिखाती हूँ। बहुत टाइम से बारिश हो रही है और सुनने में आ रहा है कि ये बारिश रुकेगी नहीं जल्दी। 20 किलोमीटर हम लोग को चलना है और इतनी बारिश हो रही है, मैं तो ये डर है कि हमारा बैग ना भीग जाए, बट ठीक है जाना ही है तो कैसे भी तो जाना ही है। चलो आओ दिखाती हूँ यहाँ का मौसम। देखो आप ठीक है? रेडी हो आप? यस मैं रेडी हूं, चलो। ओके सीढ़ी रेडी हो? यप। सोरू रेडी? अब हम लोग को 20 किलोमीटर चलना है, आप रेडी हो इतना चलने के लिए? पूरे प्रॉपर। ओए क्या कर रहे हो तुम लोग? रेडी हो? मैं तो रेडी हूँ, मेरे शू अच्छे लग रहे हैं, मुझे भी ऐसा लग रहा है। सो चलो हे गाइस, तो ये हम लोग का फर्स्ट ट्रिप है और हम लोग अभी कुछ नहीं खाएंगे, बस मैगी खाएंगे। वो लोग गए खाने। यहाँ पे एक चीज़ बताती हूँ, क्योंकि ये सिर्फ 6 महीने के लिए खुला होता है तो ये ज़्यादा लोग मेंटेन नहीं कर पाते हैं, और हम थोड़ा है इस चीज़ में तो हम सोचे कि हम मैगी प्रिफर करेंगे ताकि पता चला कुछ खाया और पेट खराब हो गया, इसीलिए नहीं कर पाएंगे। इसलिए बस एनर्जी ड्रिंक और मेडिसिन लेके जा रहे हैं ताकि कुछ प्रॉब्लम हो। और यहाँ का व्यू बहुत अच्छा है। Thinking to buy this lachi. Lachi. जो बीच में मेरे आएगा शिव जी से मिले उसको मारते मारते बोला था ना नहीं है ऑनलाइन है इसको कोई लड़की नहीं मिल रही इसलिए दुखी मैं भी होंगी निमका और मैंने दवाई भी ले ली है और हम लोगों ने ट्रैकिंग स्टार्ट कर दिया है और लाठी भी ले ली है हो गया लड़ाई कर रहे हैं भगवान तो जी बस बारिश मत करना बहुत सारी बारिश कर रहा है नहीं बिल्कुल बारिश श्रद्धा कपूर कहाँ से आ गई नहीं मैं बारिश हो जाए और भी आ जाए। ओके हम खाएंगे वेज बॉल्स यहाँ खड़े हैं रोहन बॉल्स व्हाटएवर इट इज और खाएंगे वेज बॉल्स और ना तुम्हारी लिपस्टिक अच्छी लग रही है मेरा नहीं अच्छा लग रहा और इस हमारे जीवन में सबसे बड़ा दुख क्या है कि मेरी लिपस्टिक अच्छी लग रही है और इसकी मेरी कैसी लग रही है लिपस्टिक मेरे पहले अच्छी लग रही जीप से नहीं लग रही डाल जैसे कि हमारी ट्रैकिंग स्टार्ट हो गई है और हमें भी नहीं पता हम कितने दूर अभी चले हैं लेकिन बहुत बहुत थक गए और मैंने डंडा भी ले रखा है और ये कोई एंट्री गेट है आई गेस ज़्यादा कुछ पता नहीं है इनका शक्ल देखो एक बार कैसा फील हो रहा है मस्त हर महादेव चलो Once again, fan moment here. Oh,
दो तीन बंदे मरे ऊपर। हाँ तो हम दोबारा वापस आ चुके हैं और हालत बहुत टाइट है गाइस, हालत बहुत टाइट है। अगर हम बिना रुके चले तो शायद आयशा कश्यप का लास्ट व्लॉग हो सकता है ना। आयशा कश्यप बता सकते हैं अपना एक्सपीरियंस? आईफोन मेरा हो जाएगा फिर इसका। ऐसा लग रहा है मेरे हाथ देखो लाल हो गए एकदम, मतलब मुझे अब नहीं चला जा रहा मूवी। मतलब इसका ये नहीं है कि डंडे का कलर लग गया है। नहीं मेरे हाथ लाल हो गए चलते चलते। पहली है वो, चल शिव का प्रसाद। इन्हें मरने का कोई डर नहीं है, इधर ही घूमना ठीक है। कैमरामैन अभी हमने खाया है खीरा, जान आ गई है भरपूर। और अब हम जा रहे हैं जीरा। इन्होंने कहा था आधा घंटा बैग पकड़ेंगी, अब इन्हें ये बैग पकड़ना दिक्कत हो रही है क्योंकि बहुत भारी है। जबकि सबसे ज्यादा सामान उसके अंदर है, उसके अंदर बोल दो पैसा है जो बहुत इम्पोर्टेंट है। हालत देख रहे हो, हालत देख रहे हो, हालत बाल पता नहीं इधर से होगी। ऐसे अच्छी लग रही हूँ क्या मैं? तो वैसे ज़्यादा अच्छी लग रही हूँ। अभी हम लोग चले हैं बस 8 किलोमीटर। यहाँ का वाटरफॉल है जो बहुत सुंदर लग रहा है। वही सब लगा रही थी 18 काट गया तो सोचा। हमारे साथ बहुत अन्याय हो रहा है। पहले बोला जाता है 8 चलना है, फिर बोला जाता है 15 चलना है, अब बोला जा रहा है 11 चलना है। मर जाए क्या करें, नहीं होगा। गाइस आई विल सजेस्ट यू गाइस, जो भी आना मन से आना, सोच समझ के आना। आज तक का सबसे एपिक बर्थडे है मेरा, आज तक का मेरे लाइफ में है कि नहीं, आज तक का एपिक। This is called heaven. मेरे को जैसे जंगल जंगल हो यार, ये तो चढ़ना होता है। स्वरा, I'm so tired. Guys, इसको नीचे फेंक के इसकी सारी जायदाद हड़पा लूं। मुझे भी भुट्टा खाना है। और यहाँ घुमाव ज्यादा है। हमने दूसरा रास्ता चूज किया है राधा दन वो वाला, क्योंकि वो रास्ता छोटा था पर बना हुआ नहीं था और भीड़ भी बहुत ज़्यादा थी। मेन रीज़न ये था कि भीड़ थी इसलिए, तो हमने वाला रास्ता लिया। बना हुआ रोड है बिल्कुल मस्त, फुल आ रहा है एकदम सही, स्पीचलेस। बहुत अच्छा लग रहा है। अब इस साइड का देखो, हम फिर से मिल गए। अभी हम लोग रेस्ट करने के लिए बैठे हैं। हम लोग को बैठे हुए 5-10 मिनट हो गया है और हमें वहाँ जाना है। वहाँ दिखने भी लगा, वहाँ जाना है, वहाँ पे जाना है। और मेरे पैर की जो ना ये राइट वाले पैर की ना नस खिंच गई है, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। बैग नीचे गिर दिया है कल्लू में, हमारा बैग गिर गया है नीचे वहाँ पे। लेने जा रहा है और लेने मिस्टर बीन जा रहा है। हाँ आ जा आ जा, पहुँच गया बैग के पास। कल्लू पहुंच गया बैग के पास। ये बैग उठाया उसने बैग। कल्लू हाथ दे, हाथ दे, वहीं से आवे। कल्लू हाथ दे। हम लोगों ने रेनकोट पहन लिया है और मैं पूरी अजीब सी दिख रही हूँ, जादू जैसी। और ये देखो वेदर, धुआं देख रहे हो, मतलब ये तो स्काई है, स्काई क्लाउड है, पता नहीं क्या है, जो भी है, बस ये बहुत सेक्सी लग रहा है।
सामने से देखने में ज़्यादा ब्यूटीफुल है, कैमरे में वो चीज़ कैप्चर नहीं हो पा रही जो हम सामने से देखें। हमें के सुंदर सा ग्लेशियर मिला है, बर्फ का पूरा जमा हुआ है, ऊपर से झरना आ रहा है, नीचे से पानी ठंडा होके प्योरीफाई होके आ रहा है। और इस साइड का व्यू कुछ इस तरह का है, इधर का व्यू कुछ ऐसा सा है। रात हो गई है 8:18, हम 10:30 बजे से चढ़ाई कर रहे हैं, 8:18 हो गया। झूठ बोल रहे हैं, 4 बजे बस 500 किलोमीटर। वाह, नहीं 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 500 मीटर, सॉरी गाइस, चढ़ चढ़ के थक गई हूँ यार, चढ़ चढ़ के थक गई। 525 किलोमीटर चल रहे हैं आप लोगों को, एक बहुत ही फाइनली ये एंट्री, वो जाना है मंदिर बटे ना। चलो कितने बज रहे हैं? 10:16 में हम 10:16 जाके हम पहुंचे हैं। इस दुनिया ने ठुकराया है, तभी दर पे तेरे मैं आया हूँ। ये बैठे हैं हमारे महासमझ, इस दुनिया को इतना करीब अपने लाया क्यों, आज अकेला पड़ा एहसास हुआ, सिर्फ शिव मेरा। जब कोई ना था साथ में मेरे, सिर्फ शिव मेरा, सिर्फ शिव मेरा, सिर्फ शिव मेरा, सिर्फ शिव मेरा, सिर्फ शिव मेरा। दिस इज हेवन गाइस। She's crying now. Good morning, guys. आज मेरा बर्थडे है, बर्थडे है, बर्थडे। लेकिन मुझे फील नहीं हो रहा कि मेरा बर्थडे है। ना ही मैंने एक भी केक काटा है। सब अच्छे रोस्ट नहीं है। एक केक काटा था यार तूने? अभी मैं जा रही हूँ खाना खाने, क्योंकि बहुत जोर से भूख लगी है। कल सुबह से भूखी हूँ। कल सुबह से, रात में, परसों रात में खाया था और इतनी जोर से भूख लग रही है। तो हम लोग अभी खाने जा रहे हैं। चलो चले खाने को। मॉर्निंग व्यू ऑफ केदारनाथ। ठीक है, इतना पतला यार, सच्ची अच्छा हुआ है पहली बार। यार सच्चे अच्छा हुआ है पहले बार। हमने छिद्र से ऊपर से ही करना, ठीक है, क्योंकि दोनों ऊपर। दोनों पर नाक नहीं मिल रहा। सिर्फ नाक चाहिए मुझे। हम लोग को मिल गया नाक, नागे। आ जाओ मंदिर में चलते हैं। Happy birthday to you. Happy birthday to you. बहुत ज़्यादा struggle किया है इस चीज़ के लिए, वो भी बर्थडे के टाइम पे। And it's worth it. हम कैमरा अंदर नहीं ले जा सकते, तो अंदर तो आपको आके देखना पड़ेगा। बोले तेरते है ना बहुत गड़ा प्यार है, तेना छोड़ के भी जाऊं मैं, तू है मेरा संसार है, तेरे बिना यह जिंदगी सच में बेकार है।
बोले तिरते है ना बहुत घना प्यार है अंदर अलाउड नहीं है ना केदारनाथ बैग से कुछ ऐसा सा दिखता है, ये भी एक ज्योतिर्लिंग है तो बहुत सब बाबा जी यहाँ बैठे होते हैं जब छोड़ना यही बोले ये वो पत्थर है ये वो पत्थर जो यहाँ पे फंस गया था और जिसके वजह से केदारनाथ मंदिर को कुछ भी नहीं हुआ था और वो है केदारनाथ का बैग और ये वो पत्थर है बहुत बड़ा प्यार है तू भोला पर्वत का मैं रानी मैला की तेरी मेरी पार पड़ेगी भोले लिखी पहला की तू भोला पर्वत का मैं रानी मैला की तेरी मेरी पार पड़ेगी भोले लिखी पहला की तेरा साथ ही चाहिए भोले मन की सहत कोई मतलब नहीं मेरी खातिर साथ बतेरा तेरा दुनिया ते मन मतलब नहीं तेरी खातिर के तेरे तया सब ने बताऊंगे तू भोला पर्वत का मैं रानी मैला की तेरी मेरी पार पड़ेगी भोले लिखी पहला की तू भोला पर्वत का मैं रानी मैला की तेरी मेरी पार पड़ेगी भोले लिखी पहला की फाइनली दर्शन हमारे हो चुके हैं दर्शन खत्म हो चुके हैं और हम वापस बैक टू ट्रैक जहाँ हमारी गाड़ी खड़ी है मतलब गाड़ी को उठाना है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ज्यादा हार्ड होने वाला है क्योंकि नहीं पता हेलीकॉप्टर इसको डायरेक्टली चढ़ना नहीं है वो यहाँ पे आए और लैंड करे और बहुत सारे के मैंने ब्लॉग्स देखे हैं एंड दे वॉज लाइक कि 4 किलोमीटर ही चढ़ना पड़ता है जब मैं आ रही थी केदारनाथ उसके पहले मैंने किसी का ब्लॉग देखा था एंड शी और ही वॉट एवर उसने बताया था कि 4 किलोमीटर चढ़ना होता है जब हम लोगों ने अच्छे से छानबीन किया तो हमें पता चला कि 22 किलोमीटर ऐसे 16 किलोमीटर बोर्ड पे लिखे होते हैं लेकिन प्रॉपर 22 किलोमीटर ही हमें चढ़ना पड़ता है सो डोंट बी लाइक कि 4 किलोमीटर एंड ऑल हाँ अगर आप हेलीपैड से लाइक हेलीकॉप्टर से आते हो तो फिर ना हेलीपैड हेलीकॉप्टर से आते हो तो फिर आपको कम टाइम मतलब कम चढ़ना पड़ेगा 1-2 किलोमीटर हम जहाँ पे भी खड़े हैं ये इतना ज़्यादा प्यारा दिख रहा है ऐसा लग रहा है कि हम लोग ना आसमान के बीच में हैं लेकिन आई कांट कैप्चर इट क्योंकि जो हम आँखों से देख सकते हैं वो हम कैमरे में आपको नहीं दिखा सकते हैं तो जब केदारनाथ हम एंटर करते हैं रात हो गई थी बहुत ज़्यादा जब हमने एंटर किया था तो हम दिखा नहीं पाए थे तो ये एक एरिया है जिसको होटल नहीं लेना है मतलब होटल या सराहन कुछ भी कैंपिंग करनी है कुछ नहीं लेना है तो आप अपना खुद का पर्सनल कैंप लेकर आओ आप यहाँ पे कैंप लगा सकते हो ये एरिया वो कैंपिंग का है ठीक है यहाँ कैंपिंग लगा सकते हो और उन्होंने स्पेशली एक वो वॉशरूम बना रखा है उस कोने पे तो वो वॉशरूम की सुविधा हो रही और कैंप यहाँ लगा सकते हो और अगर प्राइवेट कैंप से मतलब 6-7-8-10 का ग्रुप आ रहा है उनको एक जगह में रुकना है तो वो उनके प्राइवेट कैंप वहाँ पे है उनको पेड करो और रुक जाओ 400 या 500 रुपये कैंपिंग का पर पर्सन लेते हैं और उसके बिल्कुल जस्ट मुश्किल से 500 मीटर की दूरी पे ही सामने मंदिर है हाँ जी हाँ जी ट्रैक चेक चालू है आराम से नहीं मैं कुछ नहीं होगा
हालत खराब हो गई है। जय हो शंकरा, हरे नाथ शंकरा, आदि देव शंकरा, हे शिवाय शंकरा, तेरे जाप के बिना, हरे नाथ शंकरा, चले ये सांस किस तरह, हे शिवाय शंकरा, मेरा कर्म तो ही जाने क्या बुरा है क्या भला, तेरे रास्ते पे मैं तो आंख मूंद के चला। हम उतर चुके हैं 10 घंटे लगा के, ये उतरने वाले थे 6 घंटे में। भाई साहब मेरी कोई गलती नहीं है। ये देखो लंगड़ी, इसको भूख लगी है जोर की। सोते हैं फिर सुबह निकलेंगे। चलो गुड मॉर्निंग गाइस, बात करो ना उसको। रुको कॉपीराइट लग जाएगा रुको। गुड मॉर्निंग गाइस, देख लो। तो ये हमारी अगली तीसरी सुबह है, हम वहाँ से उतरे थे रात में, और अब हम इतने ज्यादा थक गए थे कि हम लोगों ने ब्लॉग कंटिन्यू नहीं किया। अब हम लोग ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, कर चुके हैं, बहुत अच्छा फील हो रहा है। हम जा रहे हैं, अब हम कहाँ जा रहे हैं वो नहीं बताएंगे। एक बार इसके पैर सिद्ध करके वो पूछ रहा, क्या पैर ठीक है तेरे? कैसा फील हो रहा है? इसकी हालत देखो कैसे उतर रही है। हमारा एक दावेदार नीचे पहुंच चुका है। हेलो भाई बुट्टा, हेलो भाई बुट्टा, हेलो